नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो जॉब है वो JSSC के ऊपर है, मतलब झारखंड से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जॉब ऑफर किया जा रहा है। टोटल 690 वैकेंसीज है। 690 वैकेंसीज में आपको टोटल जॉब जो है वो झारखंड से मिलेगा। और यहाँ पे जो जॉब है वो डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएगा, जहाँ पे आपको प्रीवियस जॉब के लिंक, साथ ही साथ आपको कोई भी जॉब के नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड और सिलेबस वगैरह जानना है तो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा नया सीरीज कंप्यूटर स्किल के वीडियोज भी यहाँ पे कंटिन्यू आपको मिलेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो जिस वीडियो देखकर आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं जॉब के डिटेल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिकमेंड किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो जॉब है वो आपको यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन डिटेल्स दिया गया है। 4 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, सॉरी 5 तारीख से, और इसका लास्ट डेट रहेगा 5 4 तारीख, और वो भी मई मंथ में। तो झारखंड में आपको जॉब मिलेगा, और 690 वैकेंसीज है, जहाँ में टोटल लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स में 230 पोस्ट, केमिस्ट्री में 230 पोस्ट, बायोलॉजी में 230 पोस्ट दिया गया है। कुल मिलाकर 690 पोस्ट दिया गया है। तो एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो 21 से 35 ईयर तक आपको एज लिमिट दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीडियर जो है वो आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीडियर होते हैं उसी के आपको एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे रिटिन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। सैलरी पैकेज के बारे में बात करो तो 35,400 से 112,400 तक आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। एप्लीकेशन का जो फीस है कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आपको ग्रेजुएट डिग्री कम्प्लीट जरूर करना है। तो ग्रेजुएट डिग्री कम्प्लीट करेंगे तभी आपको फाइनली इस जॉब के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रहेगा 4 तारीख को, इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहेगा। और अप्लाई किस तरीके से करेंगे तो उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन के यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। नोटिफिकेशन 1 एंड नोटिफिकेशन 2, इस दोनों में क्लिक करेंगे तो अलग लिंक ओपन हो जाएगा। इस अलग अलग लिंक में जाकर आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स मैं नीचे दे चुका हूँ पहले से ही, उसमें जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा, जो नोटिफिकेशन के सारे जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा। नंबर 1 नोटिफिकेशन है, नंबर 2 में जाएंगे तो बाकी डिटेल्स भी मिल जाएगा। अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जाकर आपको देखिए, यहाँ पे अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई बटन है, इसमें क्लिक करिए तो आपके सामने रिक्रूटमेंट का लिस्ट आ जाएगा। आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट में अप्लाई मतलब क्लिक करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। मान के चलिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उसमें आप यहाँ पे अप्लाई बटन में क्लिक करना, उसके बाद ओके करना, आपके सामने इस फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना तो आपके सामने फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में जाकर आपको अप्लाई करना है। देखिए आप पूरा डिटेल्स भरते जाएंगे, प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो बाकी डिटेल्स भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ नया सीरीज जो कंप्यूटर स्किल का वीडियोज है जरूर देखना। आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी इंटरव्यू के क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं, इस डेटा आपको पता है तो। साथ ही साथ आप जब कोई भी जॉब में एंटर हो जाएंगे, जब कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे आप इस शॉर्ट टिक्स के माध्यम से इजीली आप काम कर पाएंगे। बहुत दोस्तों ने इस वीडियो को देखा है और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं थैंक्सफुल हूँ उस दोस्तों के लिए जो अच्छा खासा इस तरीके से कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।